नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम आप चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जब आपका बुध 11th हाउस में स्थित हो तो क्या रिजल्ट देगा। अगर आपके लगन चार्ट में बुध 11th हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। देखिए, जिनका बुध 11th हाउस में होता है वो लोग, उनके लिए सोशल वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करती है, जबकि उनके लिए उनका जो प्रोफेशनल वैल्यू है या उनकी जो बिजनेस की वजह से जो वैल्यू है उनकी समाज में, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, जबकि वो सोशल फेम या सोशल वैल्यू के बारे में अपना ज्यादा सोचते हैं। बुध है वो इंटेलेक्चुअल चीजों को दिखाता है, बुध है वो कॉमर्स का कारक है, मैनेजमेंट का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, बुध वाणी का कारक है। और जो 11th हाउस है वो आपका लाभ भाव है, तो बुध आपकी स्किन को भी कहीं ना कहीं दिखाता है। बुध यहाँ पर बैठकर आपके लाभ को रिप्रेजेंट करता है कि आपको किन लोगों से, किस तरह से आप जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे और आपकी वाणी किस प्रकार से होगी, आप अपने आइडियाज को कहाँ पर शेयर करेंगे। तो जिन जातकों का बुध 11th हाउस में आता है, वे अपने जो भी सोशल सर्किल वाले जो भी लोग हैं उनके साथ अपने आइडियाज को शेयर करने में, और वे अपने जो समूह हैं, सोशल जो ग्रुप्स हैं, उनको नए आइडियाज देने में कभी पीछे नहीं हटते। ये जातक ऐसे लोगों से बात करते हैं जो इनके आइडियाज को कई बार फॉलो नहीं करते या कई बार मानते नहीं हैं या विरोध करते हैं, तो ये उन लोगों के साथ अपने बात को शेयर करते हैं, उन लोगों के साथ बात करने को ज्यादातर तैयार रहते हैं जो किसी भी तरह से इनका विरोध करें किसी भी मंच पर। तो ये इनके लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि ये फीडबैक चाहते हैं, लोगों का फीडबैक चाहते हैं कि लोग मेरे विचारों से कितने प्रभावित हैं और कितने नहीं हैं। दूसरा, यहाँ पर ये आपका फ्रेंड सर्किल भी आ जाता है इसमें 11th हाउस में, तो आपकी जो दोस्ती होगी वो ऐसे लोगों के साथ होगी जो ज्यादातर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लोग अपने माइंड का इस्तेमाल करके ज्यादा काम करते हैं, यानी जो प्रोफेशनल्स हैं, विशेषकर जो बैंक कर्मचारी हैं या फिर जो लोग एक तरह से यूं कहें कि जो भी, जैसे टीचर हैं, जैसे बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनसे आपका ज्यादा अच्छा संबंध होगा। बैंक कर्मचारी हो गए या जो भी स्पिरिचुअल जो लोग स्पीकर हैं, जो किसी सचिव के पद पे कार्यरत हैं कहीं पर, या जो अपने आइडियाज को बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, यानी जो टॉकेटिव ज्यादा होते हैं और जो माइंड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ऐसे लोगों को आप पसंद करेंगे। यहाँ पर बुध अगर है तो आपको साइंस जैसे सब्जेक्ट ज्यादा पसंद आएंगे, मैथ हो गया, या फिर आपको ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ता हो, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, तो ये इस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको ज्यादा पसंद आएंगे लाइफ में। और हो सकता है कि आपकी एजुकेशन भी मैथमेटिक्स में हुई हो या साइंस में हुई हो, या ऐसे सब्जेक्ट भी जहाँ पे आपको कुछ रिसर्च टाइप करना पड़ता हो, कुछ शोध करना पड़ता हो, कुछ नए आइडियाज आपको पुट करने हैं, नए आइडियाज आपको डालने हैं कहीं पर, तो ऐसी कंडीशंस जहाँ पर भी बनेंगी वहां पर आपके साथ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो लॉजिकल जो रीजन्स हैं उनसे रिलेटेड होंगे। तो कहीं ना कहीं आप उन सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं जहां पे लॉजिक की वैल्यू ज्यादा होती है, जहां पे दिमाग का यूज ज्यादा करना पड़ता है, जहां सब्जेक्ट को रटा रटाया जो है वो अच्छा नहीं है उसके लिए। लेकिन कुल मिलाकर आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को मानेंगे, उन्हीं सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि होगी जो एक तरह से आपके जो बुद्धि है उसको डेवलप करे या जिसमें आपकी बुद्धि का यूज हो, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में आप निश्चित रूप से रुचि लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बुध है तो आप किसी से भी किसी भी मैटर पर वार्तालाप कर सकते हैं, विशेषकर आप डिबेट में काफी अच्छे होंगे, किसी के साथ भी किसी भी समय आप डिबेट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसके साथ ही बुध यहाँ पर है तो बुध आपको लाभ करवाता है ऐसे लोगों से जो बैंक कर्मचारी हैं या जो किसी सचिवालय में काम करते हैं, या आप खुद भी सचिव हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप स्पीकर हो सकते हैं, या कोई जो प्रवक्ता होते हैं, जैसे अलग अलग पार्टियों के जो भी प्रवक्ता होते हैं, उस प्रकार से आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के उसके प्रवक्ता बन सकते हैं,
या फिर आप किसी स्मॉल जो ग्रुप हैं उनके भी प्रवक्ता हो सकते हैं। तो आपको ऐसी जगह पर जिम्मेदारी मिलेगी जहां पर बोलना ज़्यादा पड़ता है, जहां पर कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, या जहां पर लोगों को स्पीच देना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, ऐसी जगह पर आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसे जॉब आपके पास रहेंगे। अब यहाँ पर जब भी बुध आते हैं तो इन लोगों के लिए एक तरह से इनका जो माइंड है वो लाभ के लिए काम करता है कई बार, और इनके लिए जो सोशल जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाती हैं। तो इनके लिए जो समाज से इनको लाभ होता है, जो जिन ग्रुप्स के साथ ये जुड़े हुए होते हैं उनसे इनको जो भी लाभ होता है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और सोशल वैल्यू तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। ये हमेशा अपनी सोशल वैल्यू के बारे में सोचते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बुध है, तो बुध यहाँ पर आपके पंचम भाव को देखता है। पंचम भाव को देखता है तो आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपका माइंड काफ़ी तेज होगा, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि रहेगी, आपकी संतान भी काफ़ी अच्छी होगी, आप बहुत टॉकेटिव होंगे, आप अपनी संतान के साथ बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, आपके जो प्रेम संबंध हैं वो भी ऐसे लोगों से रह सकते हैं जो बहुत बुद्धिमान हों, जो बोलने में चतुर हों, काम करने में चतुर हों। इसके अलावा यहाँ पर बुध पंचम भाव को जब देखते हैं तो आपको शेयर मार्केट से या आपको किसी भी ऐसे फील्ड से जहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ती हो वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। तो विशेषकर आप मैथ के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे मैथ के टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर 11th का जो बुध है वो आपको काफ़ी लाभ करवाता है, ये उन लोगों से आपको लाभ करवाता है जो हायर जो गवर्नमेंट पदों पर होते हैं और जो विशेषकर बहुत ऊंची पोस्ट पर पदासीन होते हैं और जो लोग बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं। तो यहाँ पर जो बुध होता है 11th हाउस का, ये पंचम भाव को जब भी देखता है तो आपके जो अफेयर्स हैं विशेषकर प्रेम संबंधों में आप बहुत ज़्यादा कई बार टॉकेटिव होते हैं, और आपके जिनके साथ भी प्रेम संबंध रहेंगे उनके साथ आप एक ऐसा बिहेव जाएंगे जहाँ पर बातचीत ज़्यादा हो रही हो, जहाँ पर एनालिटिकल जो विश्लेषण होते हों, या ऐसे प्रेम संबंध वाले लोगों को ज़्यादा पसंद करेंगे जो आपके सेम सब्जेक्ट से जुड़े हों या आप जैसी ही क्वालिटीज उनके अंदर हों, तो ये आपके लिए काफ़ी मैटर करता है। इसके अलावा ऐसे जो जातक हैं जिनका बुध 11th हाउस में हो, ये बहुत बहुत बार एक साथ बहुत सारे लोगों को ये प्रभावित कर सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा, अपने विचारों के माध्यम से, तो ये इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, और ये जब भी किसी पब्लिक मीडिया या किसी चैनल पर आते हैं तो लोगों के सामने जब ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकी जो वाणी है, इनके जो विचार हैं, उनका असर लोगों पर बहुत तेज़ी से होता है और लोग भी बहुत तेज़ी से आपकी बातों को अपना लेते हैं। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट की नॉलेज अच्छी होगी, आपका माइंड है वो कई बार हो सकता है कि ज़्यादा बोलने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस माइंड पे आए, और कई बार आप बहुत ज़्यादा बातूनी टाइप हो सकते हैं, आप बोलते ही चले जाते हैं, तो बुध अगर वक्री है तो ये समस्या आपको रहेगी। इसके अलावा स्टडी में भी कुछ दिक्कत आपको रह सकती है अगर बुध यहाँ पर अच्छे नहीं बैठे हैं। 11th हाउस आपका बड़े भाई का स्थान है, और जब भी बुध यहाँ पर आते हैं तो बड़े भाई के साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, पड़ोसियों के साथ और आपके जो भी दोस्त होंगे उनके साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। आप अपने आइडियाज़ को समय समय पर इनोवेट करते हैं, आप अपने आइडियाज़ में इनोवेशन लाते हैं, आप नयापन लाते हैं, और आप हमेशा अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करने में जो है बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। तो यहाँ पर जो बुध है ये आपकी सीधी सीधी बुद्धि को प्रभावित करता है, और इन लोगों को पता होता है जिनका बुध 11th हाउस में होता है, उन लोगों को ये पता होता है कि उनको अपने जो भी ग्रुप जिनसे ये जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के साथ भी ये बातचीत करता है, सोशल जो लोग हैं इनके साथ, सोशल जो सर्किल है इनका, उन लोगों से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन लोगों से कैसे धन प्राप्त कर सकते हैं, शेयर मार्केट से कैसे प्राप्त पैसा कैसे प्राप्त करें। तो इनके पास बिजनेस आइडियाज़ काफ़ी होते हैं, इनके पास ट्रेड आइडियाज़ काफ़ी होते हैं, और इनके पास अलग अलग जो स्टडी की स्ट्रीम्स हैं
उनमें जाने का अवसर ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हैं, और जब बुध यहाँ पर होता है तो आप बहुत सारे लोगों के जो विचार हैं उनको बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, और उनकी जो मेंटल पावर है उसको आप बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनको अपने फ्रेश आइडियाज देते हैं, आप उनको अपने नए आइडियाज देते हैं, और उन लोगों को आइडियाज बहुत ही पसंद आते हैं। तो कुल मिलाकर बुध आपका जब 11th हाउस में होता है तो ये काफ़ी लाभ देता है आपको, जिन लोगों के साथ भी आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जिन लोगों के साथ भी आप जुड़े हुए होते हैं, उनसे आपको काफ़ी लाभ करवाता है। तो ऐसे जातकों की एजुकेशन काफ़ी अच्छी होगी, शुरू से लेकर अंत तक आपकी एजुकेशन में आप विशेष रूप से कोई आप बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई किए होंगे, या मैथ से रिलेटेड, या साइंस, या रिसर्च से रिलेटेड। इसके अलावा इन लोगों को इंटरेस्ट होता है विशेषकर जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, या जो भी जो पब्लिक ऑडियंस होती है, जो पब्लिक होती है, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट में रिसर्च करने का। तो कुल मिलाकर जब आपका बुध 11th हाउस में आता है तो इस प्रकार के रिजल्ट देता है। अब लाभ भाव में बुध है तो लाभ भाव में बुध काफी अच्छा कहा गया है। अगर बुध फिर भी किसी भी भाव में अगर बुध सूर्य या फिर ये बृहस्पति के नक्षत्रों में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, अगर खुद के नक्षत्र में हो, उच्च का हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेगा, अगर शुक्र के नक्षत्र में हो तो भी अच्छा रिजल्ट करेगा, इसके अलावा अगर चंद्र के नक्षत्र में हो तो मध्यम रिजल्ट देता है, अगर राहु के साथ हो तो ये नक्षत्रों की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा खराब रिजल्ट कर सकता है, केतु के साथ हो तब भी ऐसा हो सकता है, इसके अलावा अगर ये शनि और मंगल के साथ है तो नक्षत्र के अकॉर्डिंग ये खराब रिजल्ट करता है। तो यहाँ पर अगर राहु के साथ बुध आता है 11th हाउस में तो राहु के साथ ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप बहुत फास्टली लोगों के साथ अपने विचारों को शेयर करेंगे और आप अपना जो फायदा है वो बहुत ज़्यादा देखेंगे। अगर राहु यहाँ पर आ जाते हैं तो आप अपने सोशल सर्किल में कोई वस्तु बेच सकते हैं, आपका कोई ब्रांड हो सकता है, विशेषकर आपका जो नेम फेम है वो काफ़ी अच्छा होगा, आपका या तो कोई बिजनेस ब्रांड हो सकता है या आपका नाम ही काफ़ी है उन लोगों के लिए जो आपको जानते हैं, यानी आपका नाम ही एक ब्रांड बन जाता है कई बार, और आप किसी विशेष जो आप में क्वालिटी है, आपने कुछ बनाया है, आपने कुछ बेचा है लोगों के लिए, तो वो जो चीज़ है उससे आपको जाना जाएगा आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें, सोशल ग्रुप्स में, तो आपकी वैल्यू काफ़ी होगी और आप एक खुद एक ब्रांड बन जाते हैं, तो लोग आपकी जो वस्तु है, जो भी आप उनको कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको वो खरीदने में बहुत जल्दी तत्पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर राहु के साथ अगर बुध आता है तो बहुत ही अच्छा लाभ राहु करवाता है और अचानक लाभ करवाता है। इसके अलावा अगर मंगल आता है तो कई बार आपका जो है जो भी आपके विचार हैं उनसे लोग कई बार परेशान भी हो सकते हैं, तो ये कंडीशन बनती है। अगर यहाँ पर चंद्रमा आते हैं तो आपको आपकी जो वाणी होगी, आपके जो विचार होंगे, वो काफ़ी उदारतापूर्ण तरीके से आप लोगों के सामने पेश करेंगे, आप दयालुतापूर्ण तरीका है वो अपनाएंगे लोगों के सामने अपने विचार रखने में। तो कुल मिलाकर जब बुध आपके 11th हाउस में आते हैं तो इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। अब अगर सूर्य भी यहाँ पर आ जाते हैं अगर 11th हाउस में, तो आप पॉलिटिकल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, क्योंकि सूर्य है वो अपनी ऊर्जा देता है, वो अपना प्रकाश इस हाउस में जब डालता है तो यहाँ पर जो बुधादित्य योग बनेगा उसमें सूर्य 11th हाउस में काफ़ी अच्छा होता है, और बुध के साथ जब वो बैठा होता है तो और भी आपका जो स्टेटस है, आपका जो नेम फेम है, उसमें अचानक वृद्धि होगी, छोटी आयु से ही आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बुध इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। फिलहाल बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।